नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। वर्ष 2011 में वाम मोर्चा के 34 वर्षों का शासनकाल को ध्वस्त कर तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर एक इतिहास रच दिया था, और इस इतिहास के पन्ने में नंदीग्राम का नाम भी सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। आज फिर नंदीग्राम का नाम सुर्खियों में है, किंतु इस बार की वजह दूसरी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उतारे हैं, जबकि इस बार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी परंपरागत विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर को छोड़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसकी वजह भी खास है। ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं, और भाजपा ने उन्हें नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। शुभेंदु को चैलेंज देने के मकसद से ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। 10 मार्च को ममता बनर्जी ने इस क्षेत्र से नामांकन भी कर दिया है, जबकि इन दो दिग्गजों के समक्ष बंगाल की गठबंधन पार्टी कांग्रेस माकपा ने युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी को खड़ा किया है। तो आइए जानते हैं मीनाक्षी मुखर्जी कौन है। आसनसोल शहर से सटे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत न्यामतपुर के चलबलपुर निवासी शाह माकपा के कद्दावर नेता सागर मुखर्जी की पुत्री है मीनाक्षी मुखर्जी। राजनीतिक पृष्ठभूमि में पली बड़ी मीनाक्षी मुखर्जी ने युवावस्था से ही राजनीति में कदम रख दिया था। मृदुल व शांत स्वभाव की मीनाक्षी ने प्राथमिक शिक्षा चलबलपुर माध्यमिक जल्दी देवी विद्यालय, उच्च माध्यमिक बेलरी हाई स्कूल, स्नातक बीबी कॉलेज आसनसोल, ग्रेजुएट वर्धमान यूनिवर्सिटी और बीएड की पढ़ाई दुर्गापुर से पूरी की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान मीनाक्षी माकपा की छात्र संगठन DYFI से जुड़ गई थी और अपनी सक्रियता से काफ़ी बुलंदी हासिल की। वर्तमान में मीनाक्षी मुखर्जी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI की पश्चिम बंगाल प्रमुख है, जिसे नंदीग्राम सीट से कांग्रेस लेफ्ट ने CPM की उम्मीदवारी दी है। मीनाक्षी मुखर्जी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम हॉट सीट है, जहां पूरे देश की निगाहें रहेगी, क्योंकि इस सीट से बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दो दिग्गजों के सामने मीनाक्षी मुखर्जी क्या रंग बिखेरेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ होने वाले चुनावी घमासान काफ़ी दिलचस्प होगी।